नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। कंगना रनौत अपने ऑफिस पहुंच गई है, पाली हिल्स के ऑफिस में। कल जो बीएमसी ने तोड़फोड़ की थी उसे देखने के लिए कंगना रनौत आज अपने ऑफिस पहुंची है। वो पूरे ऑफिस का मुआयना कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कंगना रनौत बीएमसी के खिलाफ क्रिमिनल केस भी कर सकती है। लगभग उनके वकील का कहना है कि 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उनके ऑफिस में, जिसकी भरपाई बीएमसी को करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से बीएमसी ने तोड़फोड़ की वो इल्लीगल था। बीएमसी को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं कि किसी के ऑफिस में घुसकर वो बिना नोटिस का जवाब देने का समय दिए बिना वो तोड़फोड़ कर दे। और जिस तरीके से कल कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद आज कंगना रनौत अपने ऑफिस पहुंची है, वो ऑफिस का जायजा ले रही है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से जेसीबी के द्वारा कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ दिया गया था। उसके बाद कुछ और भी बीएमसी के कर्मचारी थे जिन्होंने अंदर जाकर कुछ दीवारों को भी तोड़ा था, जिससे काफी नुकसान पहुंचा है कंगना रनौत के ऑफिस को। कंगना ने ट्वीट करके यह भी बताया था कि उनके लिए इस ऑफिस का क्या महत्व है, बल्कि इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने बाबर तक कह दिया था। और बीएमसी के जो भी कर्मचारी आए थे उन्होंने कहा था कि ये बाबर की सेना है जो राम मंदिर को तोड़ने आई है। और आज कंगना पहुंची है पूरे अपनी सिक्योरिटी घेरे में, अपने ऑफिस को वो देख रही है फिलहाल कि कितना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कल जिस तरीके से कार्रवाई हुई, आज हालांकि हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई भी हुई और इसे 22 सितंबर तक के लिए, अब अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर की दी गई है। 18 सितंबर को बीएमसी को अपना जवाब देना है। और इसी बीच आज कंगना अपना ऑफिस देखने आई। इससे पहले कंगना की बहन रंगोली पहुंची थी अपने ऑफिस को देखने के लिए, वो उन्होंने पूरे ऑफिस का मुआयना किया था। और अब कंगना रनौत फिलहाल पूरे ऑफिस का मुआयना कर रही है। और जिस तरीके से लगातार संजय राउत वर्सेस कंगना रनौत चल रहा था, उसमें फिलहाल संजय राउत बैकफुट पर हैं। वो अब कोई भी बयान नहीं दे रहे, ना ही कुछ बोल रहे हैं, और ना ही अब सामना के जरिए या ट्विटर पर वो कुछ लिख ही रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत लगातार बीएमसी को निशाने पर ले रही है, और उद्धव ठाकरे सरकार को भी, उनका यह मानना है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के सरकार के इशारे पर ही हुआ जो उनके ऑफिस को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। तो फिलहाल कंगना अपने ऑफिस को देख रही है, जो क्षति हुई है इस पूरे क्षति का मुआयना कर रही है, और उनके वकील के अनुसार वो जल्द ही क्रिमिनल केस भी इस पूरे मामले में कर सकती है।